खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। पेशरार प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ समापन। समापन कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का स्टॉल लगाकर सुदूरवर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से कराया गया लाभान्वित। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों सहित स्थानीय ग्रामीणों को बाल विवाह मुक्त भारत का शपथ दिलाया गया। लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड के अति सुदूरवर्ती क्षेत्र के पेशरार प्रखंड मुख्यालय के बगल पर स्थित फुटबॉल खेल मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले सर्वप्रथम दुग्गू स्कूल के बच्चों द्वारा गीत संगीत प्रस्तुत कर व उपस्थित सभी अतिथियों को बुके देकर सम्मान तरीके से स्वागत किया गया, जिसके बाद प्रखंड प्रमुख सीता देवी, बीस सूत्रीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार तिर्की, अंचल पदाधिकारी पंकज कुमार जैसे कई अन्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में संस्कृति कला मंच नारी नवाडी के कलाकारों के द्वारा गीत संगीत एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक किया गया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीण सहित स्कूली बच्चों के बीच कई योजनाओं का परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया गया और वृद्ध जनों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर जिला परिषद सदस्य रूबी कुमारी, बीस सूत्री उपाध्यक्ष विनोद सिंह खेरवार, महिला प्रसार पदाधिकारी नूतन कुमारी, पेशरार थाना प्रभारी मोहम्मद अख्तर अली, रोरद पंचायत के मुखिया सिलवंती देवी, कृषि पदाधिकारी महेश चौहान, गायक जुल्फान अंसारी, सिरम पंचायत समिति सदस्य अरविंद उराव, सचिन कुमार, सूरज प्रजापति जैसे प्रखंड व अंचल के सभी कर्मी मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा पेशरार से सद्दाम खान की रिपोर्ट। चेक का वितरण किया जाएगा और इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सावित्री बाई फुले और साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति, इस तरह के अन्य योजनाएं जो दी जाती है छात्र छात्राओं को, उससे लाभान्वित होने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस क्षेत्र में, इस दुर्गम क्षेत्र में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, उनको सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का लाभ उन तक पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। और एक अनुरोध और करना चाहेंगे कि जो भी बच्चे या बच्चियां विद्यालय में नामांकित हैं, अभिभावकों से अनुरोध होगा कि वो प्रत्येक दिन बच्चे को विद्यालय 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।